व्हाट इज अप यूट्यूब देवी और सज्जनों, क्या हाल चाल है? सब सही है ना? बढ़िया ना? एक नंबर है ना? हाँ ठीक है, चलो बाय बाय। ये भैया बहुत देर से वेडिंग मशीन में और एयरपोर्ट्स पे ऐसे भांति भांति प्रकार के कलाकृतियाँ आपको देखने को मिलती है। पर मैं कंफर्म कर लूँ मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं, मतलब हाँ 27 है यही है। अब जैसे जैसे जाऊँगा मैं प्लान तुमको बताता जाऊँगा कि कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ। फिलहाल तो मैं वापस जा रहा हूँ शॉपिंग एरिया में व्लॉग करने के लिए। जो जो एयरपोर्ट पे नहीं आए उनको मैं फ्री में एयरपोर्ट का टूर करा रहा हूँ। 20-20 रुपये पेटीएम कर देना सबके सब, नंबर मैं दे दूँगा अगर गारंटी दोगे पेटीएम का। तो अरे ये वाली दुकान है, हर जगह काफ़ी महंगा, हद पार महंगा। और यहाँ पे एक और कलाकृति आपको दिखाता हूँ मैं चल के। मैं मेरे को कम से कम 3-4 मिनट लगते हैं व्लॉग करने में, उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। और एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको, ये रहा भालू, बड़ी गंदी आवाज निकाल रहा है। स्टारबक्स वगैरह भी है और यहाँ पे दूसरी दुकानें सारी, इतनी प्यारी प्यारी खूबसूरत जगह, दुकानें, सामान सब औकात के बाहर। हम तो देख के वापस जा रहे हैं, बस जाते अपने गेट पे। ठीक है, हमारी फ़्लाइट डिले हो गई है। 2 बजे की थी, पहले 2:15 हुई, अब 2:40 हो गई है। किसी शीशे के पास से दिखाने का मिलता ना तो तुमको वो दिखाता था आज, क्योंकि यहाँ पे शीशे से बीच में काफ़ी वो गैप है और रिफ्लेक्शन की वजह से वैसे भी कुछ दिखाई नहीं देगा। अभी तो मैं खुद ही एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तुम्हें क्या दिखाऊँ, मतलब मुझे मज़ा आ रहा है। वैसे पहली बार के हिसाब से तो मज़ा आना चाहिए, बस खाने पीने की चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। बहुत महंगी है बहुत, फ्लाइट भी डिले हो गई है, अब खाऊंगा क्या यही सोच रहा हूँ, भूख लगी है। टूटते हुए दिख रही है मेरे को, सही यार बच्चों वाली फीलिंग आती है कि कुछ नया करो। तो देखो तुमको दिखाता हूँ मैं, एक एरी वोरी वोरी 10 रुपये की चीज़ के 100 रुपये, चलो कोई बात नहीं आज खर्चा कर लिया जाएगा। सॉफ्ट ड्रिंक तो मैं पीता ही नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है। और ये हैंडबैग देख रहे हो, इससे पहले कोई मुझे छपरी बोले, चलो बोल लो कोई दिक्कत नहीं है, बोल लो क्या ही कर सकता हूँ। पानी की बोतल है, कोक है, 0 शुगर कोक में, इतना ज़्यादा शुगर है मतलब हद है। ये सब के सब जो है ना मिल करके हमको जो है ना बना रहे हैं, समझ रहे हो तुम। ये सॉफ्ट ड्रिंक छोड़ो पहले, चलो मैं आगे घूम के आता हूँ, मन किया तो कुछ खा लूँगा, भूख लग रही है यार, छोड़ो। अभी ना मैंने क्या सोचा, एक तो सब सो रहे हैं तो धीमा धीमा बोलना पड़ेगा, तो मैं ना ट्राई करता हूँ पीछे चाय वाले में चाय का रेट पूछता हूँ। चाय की टपरी है एयरपोर्ट वाली, चाय की टपरी, चाय का रेट पूछता हूँ। मेरी वजह से आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या रेट है और कैसा टेस्ट है। राइम हो गया, चाय कितने की है भैया? 126 की एक, और कौन सी है? और भी कोई फ्लेवर वाली है? अदरक इलायची दे दो, पैसे डुबाने का शौक, साथ में कुछ खाने को ले लो। सूजी का रस 25 का, ड्राई फ्रूट कुकी 25। वो याद है 3 इडियट में जो राजू की मम्मी होती है, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। भिंडी लीजिए ना। हाँ जी थैंक यू। पता है तुझे भिंडी 12 रुपए किलो हो गई है और गोभी 10 की, लूट मची है सारे देश में। हाँ सही समझ रहे हो आप, ले ली मैंने 126 की चाय, 24 रुपए की ये चोको चिप कुकी। वैसे मैंने भाई को
पर्सनली वैसे बोला था कि थोड़ा लोकल टेस्ट डालने को ट्राई करते हैं। सही है यार, अच्छा बंदा है, वसूल करवा दिया। चलो ठीक है, मुझे लगा था फिर भी वैसे बना देगा, पर सही बना दिया भाई ने। ये होता है फ़ायदा एक्स्ट्रोवर्ट होने का। देख रहे हो इंट्रोवर्ट लोग, तुम इंट्रोवर्ट जो भी है इसमें, एक्स्ट्रोवर्ट बनो, बात बात किया करो लोगों से, खुश हो जाते हैं लोग, खुशियाँ बांटो, चाय पियो, चाय पियो बिस्कुट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ। और हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी, क्योंकि अब आदत हो गई है ना, एक्सपेक्टेशंस रखता ही नहीं, ना चीज़ों से ना इंसानों से। फिर से लेट हो गया, वाह लाइन लंबी है, लाइन में लग जाते हैं चल के। मैं उधर वॉशरूम दिखा रहा हूँ, तुम सबको इधर सब प्लेन में बैठे जा रहे हैं, जाके मैं भी बैठता हूँ, देखता हूँ जो जो मन किया वो रिकॉर्ड करूँगा, मतलब कोशिश करूँगा सब रिकॉर्ड करूँ, पर ठीक है चलो लेट्स गो। कैन ड्रॉप कर लीजिए प्लीज। याम आए बैग ले लेते हैं अब। तो अभी ये है छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट टर्मिनल 2, और यहाँ पे अभी मैं बैठा हुआ था एयरपोर्ट पे, क्योंकि अभी ट्रेन है गोवा की जो कि काफ़ी देर बाद है,
तो मैं ऐसे बैठा हुआ था, मेरे सामने ना दो चाइनीज लोग बैठे थे और एक इंडियन लड़की बैठी थी। तो मैंने पूरे टाइम ना सिर्फ इंडियन लड़की को ही देखा, चाइनीज लोगों को एक बार नहीं देखा, क्योंकि मतलब चाइनीज बिल्कुल बायकॉट कर रखा है मैंने। ट्रू इंडियन। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? भाई साहब एक बात तो माननी पड़ेगी, जितने एयरपोर्ट है ना, मतलब अभी तो मैंने दो ही देखे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। और ये रहा छत्रपति शिवाजी महाराज जी का फोटो, बाकी जिसको पढ़ना हो वो पॉज करके पढ़ लो। ओके। और भाई मैंने एक और चीज़ नोटिस करी है कि एयरपोर्ट पे ना हिंदी में बात करो ना तो लोग तो अजीब तरीके से घूरने लगते हैं, बस पता नहीं क्या कर दिया, पर छोड़ो कोई बात नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी मैंने सोचा कि फ्रॉम नाउ ऑन आई विल ओनली स्पीक इन इंग्लिश, आई विल टॉक इंग्लिश, आई विल वॉक इंग्लिश, आई विल टॉक इंग्लिश। सॉरी, छोड़ यार इंग्लिश की बात, मैं हिंदी में ही बोलूँगा, बाहर में जाए। 5 डिवाइसेस कनेक्टेड है हॉटस्पॉट से, अब समय हो गया जाने का, हो गया भैया?